आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर द्वारा मेसर संपूर्णा गैसेज यूनिट का किया गया भ्रमण। यूनिट को 72 घंटे में एक्टिवेट करने हेतु किया अनुरोध। कहा, यूनिट के शुरू होने से हो सकेगी निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति। 59 घंटे के लॉकडाउन में एडीजी जोन ने अपने कार्यालय और आवास पर किया श्रमदान। साफ सफाई कर लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। गोरखपुर में शनिवार को मिले 1256 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 35,041। अब तक 412 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 8,852 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे सैनिटाइजेशन महाअभियान का मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने किया निरीक्षण। कहा, सैनिटाइजेशन से कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाया जाएगा लगाम। गोरखपुर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपनी सांसद निधि से दिए 40 लाख। कहा, नहीं होने दी जाएगी गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी। 2 दिवसीय लॉकडाउन में यात्रियों को नहीं हुई कोई दिक्कत। पर्याप्त संख्या में सड़कों पर दौड़ती रही रोडवेज की बसें। 59 घंटे के लॉकडाउन में नगर निगम ने चलाया सैनिटाइजेशन का महाअभियान। नगर आयुक्त ने 40 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, महानगर के 70 वार्डों में वृहद रूप से होगा सैनिटाइजेशन। शासन के द्वारा 59 घंटे लगाए गए लॉकडाउन का शनिवार को पुलिस ने कराया कड़ाई से पालन। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सीओ कैंट ने बेवजह घूमने वालों के ऊपर किया विधिक कार्रवाई। जिला अस्पताल में 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। सोशल डिस्टेंस के साथ कतारबद्ध नागरिकों ने कराया वैक्सीनेशन। और SPCT के नेतृत्व में चेतना तिराहे पर पुलिस ने कराया कर्फ्यू का पालन। SPCT ने कहा, लोगों का मिल रहा है पूरा सहयोग, सफल हो रहा है नाइट कर्फ्यू।